अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्या कर लिया है, तो मैंने एक कप मक्खन यूज़ किया करना है, ठीक है, ये वाला मक्खन, पीला वाला मक्खन, सॉल्टेड बटर, उसको आधे को तो हम बीट करेंगे। कुकीज़ हम बना रहे हैं, बर्न्ट बटर वाली कुकीज़। और ये क्या है, ये मैं इसलिए मैंने करके रखा था बिकॉज़ इसको हमें ठंडा करना है। ब्राउन्ड बटर है ये, आधा मक्खन आपने पिघलाना है हल्की आंच पे, 3 से 4 मिनट के लिए कुछ भी नहीं करिएगा, पिघलने दीजिएगा, ब्राउन हो जाएगा, आंच बहुत कम कर दीजिएगा और अच्छी तरह इसको पिघल जाने दीजिएगा और ब्राउन हो जाने दीजिएगा। ये ब्राउन्ड बटर है, ठीक है, पिघला हुआ मक्खन लेकिन हल्का सा ब्राउन किया हुआ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है कुकीज़ में, बना के देख लीजिएगा। सो मक्खन है, मैदा है, चॉकलेट के चंक्स हैं, पिसी हुई चीनी है, अंडे वेनिला एसेंस है, बेकिंग पाउडर है, सॉरी बेकिंग सोडा है, कॉफ़ी पाउडर है, और ये है अखरोट चॉप किए हुए, और ये डार्क वाली ब्राउन शुगर है। इससे बहुत अच्छा मज़े का टेस्ट आएगा और हम इसमें डालेंगे नमक, सही है, ठीक है। सो हम इसमें बेकिंग सोडा, थोड़ा सा नमक और कॉफ़ी डाल देते हैं, अंडों में वेनिला एसेंस डाल देते हैं, अच्छा वाइट चॉकलेट जो आपको वहां नजर आ रही है वो हम पिघला के ऊपर ड्रिजल करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए ये हटा देते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं और ये कुकीज़ में जाएगा, ये भी हटा देते हैं। सो या लेट्स स्टार्ट नाउ। अब हमें मक्खन को बीट करना है, आधा मक्खन पिघला के ब्राउन करना है, आधा मक्खन आपने बीट करना है, ये याद रखिएगा, ओके। पिघला के जला नहीं दीजिएगा, ब्राउन करना है, कलर इस तरह का हो जाएगा ब्राउन। ब्राउन्ड बटर से कुकीज़ बहुत ही मज़े के बनते हैं, ट्राई करके देख लीजिएगा ये। और पहले हम चीनी बीट करेंगे, मक्खन चीनी, फिर हमने इसमें अंडे डालने हैं एक के बाद एक, वेनिला एसेंस भी मैंने इसमें मिक्स किया था। सो मक्खन, चीनी, वेनिला एसेंस, अंडे, ठीक है। अच्छा, अब जो ब्राउन किया हुआ ये मक्खन था जिसको हमने ठंडा किया है वो जाएगा। और ये ब्राउन वाली चीनी, डार्क ब्राउन वाली चीनी, अब इसको मिक्स कीजिए। साइड से अंदर लीजिए, हर चीज़ बोल के साइड में जो रह जाता है उसको, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें हम डालेंगे मैदा, नमक, कॉफ़ी का पाउडर और बेकिंग सोडा, अखरोट चॉप किए हुए और चॉकलेट के चंक्स। और कल वाली मिस्टेक नहीं करूँगी जिसमें हमने सारे कुकीज़ एक पे ही डाल दिए थे, वो हम ज़रा आज दो तीन कुकीज़ करेंगे, एकदम साथ एक साथ नहीं कर देंगे, सही है। सब कुछ उठाना है मुझे, कुकीज़ जब बन जाएंगी तो फिर हम वाइट चॉकलेट पिघला के उसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसके बाद हम उसमें वो करेंगे, क्या करेंगे, वेनिला एसेंस डालेंगे। सो लेट मी जस्ट मिक्स एवरीथिंग टुगेदर अच्छी तरह। इसमें अब नहीं जलेगा बीटर, सो आप इसको यूज़ करिए स्पैचुला को। आज की दूसरी रेसिपी है कीमा और चना दाल का पुलाव। चना दाल सिर्फ मैंने बॉईल करके रखी हुई है, कीमा आपके सामने पकाएंगे, वो सब कुछ हो जाएगा तो चावल डालेंगे, सब कुछ हो जाएगा रेडी तो उसमें चना की दाल मिक्स कर देंगे। कितना आसान है, हेल्दी, न्यूट्रिशियस, वन मील इन इटसेल्फ। ये देखें,
डार्क ब्राउन शुगर और मक्खन को पिघला के ब्राउन करना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा, ओके? बस दैट्स इट, कितना आसान है। सो मैं रिकैप कर दूँ झटपट। सबसे पहले आप लीजिएगा सॉल्टेड मक्खन 200 ग्राम पूरा, ठीक है, आधा 100 ग्राम आप एक पैन में डाल के पिघला दीजिएगा, बहुत हल्की आँच पर, जल नहीं जाए। पिघला के फिर आप एक तरफ रख लीजिएगा और जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाए, ठीक है, ये मैंने पहले कर दिया था। और उसको आपको ठंडा करना है 10-15 मिनट। फौरन गरम गरम मक्खन नहीं डाल दीजिएगा अंडों में। दूसरा जो आधा मक्खन था उसको बीट करिएगा, उसमें आप डालिएगा 1 कप डार्क ब्राउन शुगर, आधा कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी, 2 अदद अंडे, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, 2 कप मैदा, 1 टेबलस्पून भर के मैंने कॉफ़ी का पाउडर लिया था, और बेकिंग सोडा 1 टीस्पून था, सॉल्ट भी 1 टीस्पून था, चॉकलेट 8 ounces चॉप करके डाल दीजिएगा, या चॉकलेट के चिप्स भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह बहुत मज़े का लगेगा जब चॉकलेट ऊज आउट होगी आपके कुकी में से। और मैंने आधा कप चॉप करके अखरोट डाल दिए थे, दैट्स इट। और वाइट चॉकलेट, थोड़ा सा तेल और वेनिला एसेंस हम डालेंगे एक बोल में और उसको पैन में पिघला देंगे, या माइक्रो में पिघला दीजिए और फिर उसके ऊपर ड्रिजल कर दीजिए। जब कुकी रेडी हो जाए तो उसको उसके साथ डेकोरेट कर दीजिए या किसी पाइपिंग बैग में डाल दीजिए और उसको फिर आप स्निप कर दीजिए, एंड से एंड्स काट लीजिए और वहाँ से फिर उसको ड्रिजल कर दीजिए, किसी भी तरीके से आपको करना है। आई हैव गॉट माय स्कूप हियर और ये है हमारी ट्रे, इस पर बनाते जाएंगे, रखते जाएंगे और हम बेक करेंगे इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड में। अवन हमारा प्री हीटेड है, तो ऐसे करते हैं, इसको मैं रखना शुरू कर देती हूँ, फिर हम ब्रेक की तरफ भी चलते हैं। ब्रेक से आएंगे तो फिर दोबारा रिकैप करूँगी, वापस आपको समझाऊँगी कि मैंने ये मज़ेदार से मौका कुकीज़ कैसे बनाए हैं। मौका मीन्स चॉकलेट एंड कॉफ़ी का कॉम्बिनेशन, चॉकलेट चंक्स के साथ। फिर हम पुलाव की तरफ आएंगे, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। अवन दिखाइएगा, मैंने 2 ट्रेज रख दिए हैं, ठीक है, दूर दूर स्पेस करके कि कल वाली मिस्टेक ना हो जाए और एक बड़ी कुकी ना बन जाए। सो कल तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा चले एक में ही कर देते हैं, लेकिन फिर वो बहुत सारी जम गई थी साथ साथ, फिर हमें पिज्ज़ा कटर से काटना पड़ा। क्या करें, कभी कभार ऐसे हो जाता है। सो अगर आपसे भी हो जाए इस तरह का कोई ब्लंडर जैसे मैंने किया था, तो कोई बात नहीं, आप काट के लीजिएगा, ठंडा करिएगा और काट लीजिएगा। घी पिघलाना है, फिर उसमें हमने डालना है प्याज, 2 बड़े प्याज थे, अब इसको हमने ब्राउन करना है, ठीक है। और क्या क्या इसमें अज्जा हैं बताती चलूं। देखें, सबसे पहले तो मैंने चने की दाल लेके बॉईल कर दी थी, ये देखें बॉइल्ड है, खड़ी खड़ी है, मशी नहीं है। 5 मिनट मैंने इसको प्रेशर को किया था, लिटरली सिर्फ 5 मिनट, ठीक है। तो इस तरह रहती है, एक्सेस पानी इसका ड्रेन कर दीजिएगा। यहाँ मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि निकल आए पानी उसका, मुझे एक्स्ट्रा पानी नहीं चाहिए। चावल भिगो के रख दिए हैं, कीमा है मटन का, बीफ का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं, और कुटी हुई लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, हरी मिर्चों का पेस्ट है, कड़ी पत्ता है, गरम मसाला पाउडर है, हरी मिर्चें थोड़ी सी स्लाइस में कटी हुई हैं फॉर डेकोरेशन, नमक है, और ये मिक्स्ड मसाला है, ठीक है। इसमें है ये बड़ी वाली काली वाली इलायची, यानी कि ब्लैक कार्डमम, फिर इसमें है लौंग और ज़ीरा और काली मिर्चें और दालचीनी की स्टिक, ये है नटमेग, जायफल, ये एक्स्ट्रा है, ये नहीं चाहिए, मैंने ऑलरेडी इसमें रख दिया है। अच्छा, फिर है मेरे पास जनाब अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये जावित्री है, मेस, और ये है धनिया, साबुत धनिया इस तरह कुटा हुआ, ओके, और टमाटर है, दही है, और ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। पहले ज़रा प्याज अच्छी तरह हो जाए, और हमारे नंबर्स भी चल रहे हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो। पहले हमें इसमें अच्छी तरह कीमा पकाना है, फिर उसमें चावल डालेंगे। जब पुलाव अच्छी तरह हो जाएगा रेडी, तब सिर्फ फोल्ड कर देंगे सर्विंग से पहले, चने की दाल दम पे रख देंगे, दैट्स इट। अच्छा, अब डो जो आपने बनाया है कुकीज़ का, 2 ट्रेज तो मैंने यहाँ रख दी हैं बेक होने के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 12 मिनट, ठीक है। ठंडा करने के लिए मैंने बकिया डो फ्रिज में रख दिया है। आप देखिएगा, जब आप ठंडे डो से बनाएंगे कुकीज़ इतनी बेहतरीन बनती हैं। तो थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए आप लोग फ्रिज में रख दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए डो, तो अच्छी तरह फिर वो बने। हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम बेसिक रेसिपी आपको सिखाते हैं, आप पे डिपेंड करता है, आप तसल्ली से, तहमुल से, अपने टाइम से, पेशेंटली बनाएंगे जब, तो किस तरह फिर बनेगा, ठीक है, ओके, लेट दिस बी डन।
ये हो जाए फिर बनाएंगे। और फिर मैं क्या करूँगी, पहले तो हमने देखे चने की दाल बॉईल करके एक तरफ रख ली, घी पिघलाया, उसमें प्याज डाल दिया और फिर मैं उसमें ये साबुत गरम मसाला डाल दूँगी, ये वाला जो है यहाँ, ठीक है, ये डाल देंगे। कड़ी पत्ते जाएंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, टमाटर वगैरह जाएगा, दही जाएगा, फिर ये सारे दूसरे मसाले हैं वो जाएंगे। हाँ, ये है सौंफ का फेनल सीड्स पाउडर, पीस लीजिएगा, सौंफ डालिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसको मैं सब कुछ को मिक्स कर देती हूँ, सौंफ, धनिया, जावित्री, जायफल, ये जावित्री थोड़ी सी डालते हैं, ठीक है, ठीक है जी, कुटी हुई लाल मिर्चें, ये सब कुछ इन में जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे, जब प्याज अच्छे से हो जाएंगे, ये साबुत गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको फिर अच्छी तरह सौते होने दीजिए। ये नमक है तो ये नमक हटा देते हैं और कड़ी पत्ते, ये गरम मसाला पाउडर भी इसी में डाल देती हूँ, दही है, टमाटर है, कुकीज़ मुझे याद दिलाइएगा, जिसने याद नहीं दिलाई उसको कुकीज़ नहीं मिलेंगी, ठीक है। अभी फैली हुई हैं जस्ट, ओके, अच्छी तरह सौटे करिए प्याज को, अदरक लहसुन, साबुत गरम मसाला, कड़ी पत्ते, आपको लगे कि थोड़ा सा तेल कम है या घी कम है तो थोड़ा सा और डालिएगा, जस्ट एड अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मसाला भूनिए, साबुत गरम मसाला पूरा जो मिक्स करके रखा था वो डालिए, हरी मिर्चों का पेस्ट डालिए और कीमा, नमक भी मैं डाल ही दूँ बिकॉज फिर मैं नॉर्मली नमक भूल जाती हूँ। अच्छी तरह कीमे को इस तरह तोड़ते जाइए, वरना अंदर छोटे छोटे रेड क्लम्प अप हो जाता है, फिर वो अंदर से लाल लाल रहता है, वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, वो तो ऐसे लगता है जैसे कच्चा कच्चा रह गया है कुछ, तो इस तरह तोड़ते जाइए सारे मसाले में, अच्छी तरह इसको भूनिए। आज हम जो कुकीज़ बना रहे हैं आज वो हम सर्व करेंगे ऑल पर्पज़ के फ्लेवर्ड मिल्क के साथ। अगर आपको गर्मी लगे, आपको तवानाई चाहिए, यू वांट टू बी रिफ़्रेश्ड, ठंडा कर दीजिएगा फ्लेवर्ड मिल्क का ये डब्बा, बादाम ज़ाफ़रान फ्लेवर्ड है, चॉकलेट का है और स्ट्रॉबेरी का है, और बच्चों को भी दीजिए लंच बॉक्स में, खुद भी पिए। मेरा फेवरेट तो बादाम ज़ाफ़रान का है, रियली नाइस, मुझे वैसे ही ज़ाफ़रान का टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हर चीज़ में ज़ाफ़रान डालती हूँ, और ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये वाला दूध, वैसे भी दूध पीना बहुत ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बच्चे होते हैं हम तभी दूध पिए, मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर बोन्स, चाय से ज़्यादा दूध पिया करें। चलो, इसको हमने मसाले के साथ कीमे को अच्छी तरह भूनना है, मैंने मटन का कीमा यूज़ किया है, टमाटर भी डाल देंगे और हल्की आंच पे छोड़ के फिर हम ज़रा दही डालेंगे। कुकीज़ को देख लेते हैं, कुकीज़ को मुझे निकालना होगा जस्ट आफ्टर अ मिनट और सो, अभी नहीं, आफ्टर अ मिनट और सो, ब्रेक पे तो नहीं जाना है, ओके। चलिए रिकैप करते हैं, मैंने क्या किया था कुकीज़ के लिए, 200 ग्राम पीला वाला मक्खन यूज़ किया था, ठीक है, फीका अनसॉल्टेड आज नहीं यूज़ किया था, पीला मक्खन जो होता है वो सॉल्टेड होता है, उसको आधे को बीट करना है, आधे को पिघलाना है, पिघलाते वक्त याद रखिएगा हल्की आंच पे उसको पिघलने दीजिएगा, ब्राउन हो जाए तो उसको घबराइएगा नहीं कि जल गया है, ब्राउन बटर ही हमें चाहिए। फिर आधा जो मक्खन था उसको बीट करिएगा, उसमें एक कप डार्क ब्राउन शुगर डालिएगा, नहीं है तो लाइट ब्राउन भी डाल सकते हैं, आधा कप सफ़ेद पिसी हुई चीनी, दो अदद अंडे, एक टीस्पून वेनिला एसेंस, दो कप मैदा गया था, दो चमचे भर के आप कॉफ़ी पाउडर डालिए, एक टीस्पून आप बेकिंग सोडा डालिए, एक टीस्पून आप नमक डालिए, 8 ounces आप चॉप करके चॉकलेट डालिए और आधा कप आप अखरोट डालिए, ठीक है जी। अब अच्छी तरह भूनिए, टमाटरों को भी ज़रा अच्छी तरह स्लाइस में काट लें, चॉप कर दें, कुछ भी, वट एवर, आई एम टोल्ड स्लाइस वाले टमाटर ज़रा जल्दी से पक जाते हैं, ब्लेंड करके डालने हैं, ब्लेंड करके डाल दीजिए। कुछ लोग टमाटर के बीज नहीं खा सकते हैं, स्पेशली किडनी पेशेंट्स वगैरह, उनके लिए टमाटर घर लाइए, धोइए अच्छी तरह, बड़े से पतीली में सारे टमाटर डाल दीजिए, एक उबाल आ जाए टमाटरों का छिलका निकाल दीजिए, ठंडे हो जाए ब्लेंडर में डाल दीजिए, ब्लेंड करके छान लीजिए तो बीज निकल जाएंगे, फिर बॉटल्स भर के रख दीजिए,
ये मैंने भी किया है फॉर अ किडनी पेशेंट एट होम, तो मैं आप भी कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो फिर बीज ना खिलाइए उनको, स्ट्रॉबेरीज ना खिलाइए, भिंडी ना खिलाइए, टमाटर के बीज ना खिलाइए। ऐसे घर में ही आपका जो किचन है ना, वही आप खाने से ही अपने आप को यू नो सेहतमंद रखिए। और जो सारे टोटके वगैरह हैं हमारे किचन में, हमारे बूढ़ों ने हमें, बड़ों ने हमें बताए हैं, वो एक्चुअली डू वर्क। सो यस, दवाइयाँ ऑल्सो वर्क, वरना सारे डॉक्टर मुझे मारेंगे, बट जो है ये सारे किचन के टोटके जो होते हैं ना खाने के साथ, अज्जा के साथ, जो हम कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहते हैं, दे ऑल्सो एक्चुअली डू वर्क। ओल्ड वाइव्स टेल्स बोल दें, दादी अम्मा के नुस्खे बोल दें, जो भी। चलिए इसको भी अच्छी तरह, दही को भी, और फिर हमने इसमें डालना है चावल। बट मैं पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी, हरा मिर्च और धनिया और लेमन के साथ हम सजाएंगे। और ये जो है चने की दाल, इसको हमें सिर्फ एंड में अंदर फोल्ड करना है। सो व्हेन दिस कीमा इज़ डन, टमाटर भी हो जाएंगे, फिर मैं ज़रा अच्छी तरह देखूंगी, चेक करूंगी कि कितना पानी निकला है टमाटर से और दही से, और उसके बाद फिर चावल डालेंगे। और बातें बहुत हो गई तो ज़रा चलते हैं कुकी की तरफ। वेल नॉट एक्चुअली डन, बट अब एक मिनट और तो ओवर डन हो जाएगी। सो आई डोंट वॉन्ट के हम भूल जाएं, तो याद रखिएगा जी, याद दिलाइएगा जी। एक कॉलर हैं, हेलो। अस्सलाम वालेकुम, डिजर्ट क्वीन। अच्छा जी, आप हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। बस ये आज बहुत अच्छे के बाद आपका प्रोग्राम स्क्रीन किया था, देखा था, तो मैंने कहा अपना कॉल कर लूँ अपनी डिजर्ट को इनको। आज अभी ये बना रही, मैं खा में उसकी चने की दाल कीमे की बिरयानी बना रही है ना, पुलाव जी, ट्राई करिएगा। हाँ। कुकीज भी ट्राई करिएगा। बिल्कुल ट्राई, ये तो होती है हमारे घर में ट्राई ये, और अपना उसका जर्निक बेटा, अपना उसका वो ब्रेड और ना बंस वगैरह थोड़ा सा, वैसे तो आप सिखा चुकी हैं बहुत कुछ, क्या क्या, मगर ये जरा सा थोड़ा सा रिपीट हो जाए तो बंस, डिनर बंस, डिनर रोल्स, इस तरह का कुछ नहीं, ये जो हम सुबह नाश्ते में बन लेते हैं, फ्रूट बंस, और ये जो दूसरे बन होते हैं, ठीक है, सीसमन बंस होते हैं, और ब्रेड होती है डबल रोटी, ये चीजें जो है ये भी थोड़ा सा सिखाए जी, जी, मैं नहीं, पहले से पता चल जाए ताकि हमें नोट करने में इजी हो जाए। करेंगे, बहुत दफा मैं करा भी चुकी हूँ, लेकिन बहुत दफा करा चुकी तो मुझे मालूम है। हाँ। आपने तो कौन कौन से रोल ने बनाए ये तो मुझे बन मालूम है, बहुत उम्दा किस्म के रोल बने हैं, बन रोल बनाए हैं, सब कुछ बनाए, मगर अब जो मेरी बेटी बनाना सीख रही है आजकल ना, ठीक है, तो वो इसकी, और केक रेस, पापड़ और केक रेस। ओके ओके जी, ठीक है जी, नोट कर दिया है, ठीक है बेटा जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। और मैं इसको ज़रा भून रही हूँ और फिर हम चावल डालेंगे, अभी टाइम तो है ना। हाँ अभी तो बहुत टाइम है, ब्रेक की तरफ भी चलना है हमें, और अगर पानी कम हो जाएगा इसमें तो मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, आई वॉन्ट कि अच्छी तरह कीमा पक जाए, और उसके बाद फिर हम चावल डालेंगे जब बिल्कुल सूखा हुआ हो। बहुत सारा पानी ऑलरेडी कीमे में होगा, फिर आप चावल डालेंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे, हलवा बन जाएगा, ठीक है, वो नहीं करिएगा। फिर उसमें हमें फोल्ड करना है ये चने की दाल। सो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, देखें कुकीज़ हमारी रेडी हो गई हैं, ऊजिंग चॉकलेट, गर्मा गर्म खाइए स्ट्रेट फ्रॉम दी अवन, और इसके ऊपर हम वाइट चॉकलेट ड्रिजल करेंगे, कुछ पे नहीं करेंगे, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ये जो है ये डो देखें अब कितना अच्छा बेहतरीन ठंडा हो गया ये डो, तो एक ट्रे मैंने वापस अवन में रख दी है, ठीक है, इट हैज़ टू बी कोल्ड, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, कीमा हमारा हो गया था, चावल मैंने डाल दिए थे, आई वॉन्ट के अच्छी तरह ये चावल भी साथ साथ पक जाएँ, और फिर हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें डालेंगे। चावल हमेशा बॉईल करते वक्त थोड़ा सा लेमन जूस डाला करें, चावल के जो वो हैं ग्रेन्स हैं वो अलग अलग रहते हैं हमेशा सेपरेट, अच्छा फ्लेवर भी आता है, और हरी मिर्चें जाएंगी और ये सब कुछ। अभी इसको हम बंद करते हैं और फिर हम इसको दम पे रखेंगे, तवा है यहाँ। ये लीजिए, ठीक है, चलिए दिस इज डन, अब लेट दिस बेक। एक कॉलर हैं जी, किरण है उनका नाम, उनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो, कहाँ चली गई? ओके,
कॉल शायद कट गई। अच्छा, इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं। आप कीमा पका लीजिए, एक बड़ा पायरेक्स का डिश लीजिए, उसमें पूरा कीमा बिछा दीजिए, फिर उसके ऊपर हाफ बॉइल्ड, पूरे फुल बॉइल्ड नहीं, हाफ बॉइल्ड चावल रख दीजिए, फॉइल लगा के अवन में रख दीजिए, ठीक है। सर्व करने से पहले खोलिए और देख चेक कर लीजिए अगर हो गए हैं, वरना थोड़ा सा गर्म पानी ऊपर से छिड़क दीजिए, या दूध ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर ये रख दीजिए, फैला दीजिए, गार्निश ऊपर रख दीजिए, दोबारा फॉइल चढ़ा के 10 मिनट अवन में। इतना बेहतरीन बनेगा, तीन लेयर्स भी नज़र आएंगे, चावल, कीमा और चने की दाल। और या इस तरह करना है, पतीली में भी कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके घर में डिनर है, आप चूल्हे पे बहुत बिजी हैं, आप चाहते हैं कि आपके हैंड्स फ्री हो जाएं, तो एक डिश आप अवन में भी इस तरह रख सकते हैं। सो द आइडिया इज़ नॉट टू से कि बस हर चीज़ अवन में बनाएं, आइडिया इज़ के ऑर्गेनाइज रहें। अगर दावत है, तीन चार चीज़ें बन रही हैं, दो चूल्हे हैं, तो दो चूल्हों पर यहाँ चढ़ाएँ और अवन में इस तरह कर दें। बिरयानी भी आप ऐसे ही तय लगा के कर सकते हैं, फिर उसी डिश में सर्व करिएगा, निकालिएगा नहीं, पायरेक्स की डिश में ही सर्व करिएगा, ठीक है। ये देखें, ये हो रहा है, अभी इसको अभी छोड़ देते हैं, अभी इसको नहीं बार बार नहीं छेड़ते नहीं है। अच्छा, नाउ फॉर द कुकीज, दिस थिंग ड्रिजल वो बना लेते हैं। सो मेरे पास यहाँ एक पैन है जिसमें मुझे वाइट चॉकलेट, थोड़ा सा तेल, वाइट चॉकलेट, थोड़ा सा एसेंस, ये इसका ड्रिजल बनेगा। तेल, वेनिला एसेंस, वाइट चॉकलेट, हल्की आंच पे पिघला दीजिए। कुकीज़ बिल्कुल ठंडी हों तब उसके ऊपर ड्रिजल कर दीजिए, या तो किसी पाइपिंग बैग में डाल दीजिए और एकदम छोटा सा होल उसमें करके ड्रिजल कर दीजिए, या हाफ कुकी को इसमें डिप कर दीजिए, वॉट एवर यू लाइक। बहुत ज़्यादा चॉकलेट नहीं आपको चाहिए, क्योंकि वाइट चॉकलेट बहुत मीठी होती है, अंदर तो मैंने डार्क चॉकलेट यूज़ की है, तो आप छोड़ दीजिए, नहीं करिए, ऐसे ही सर्व कर दीजिए, लेकिन कुछ मुख्तलिफ तो होना चाहिए ना, ठीक है। ये देखें, अच्छी तरह जब डो ऐसे हो जाए ना ठंडा, तो बहुत अच्छा बेकिंग होता है। अब वहाँ मैंने एक ट्रे रख दी है, उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, बाज़ वक्त एल्युमिनियम की फॉइल रख के अगर हम बेकिंग करते हैं तो नीचे से लग जाती हैं, कुकीज़ जल जाती हैं, इसीलिए ये सिलिकॉन के मैट बेहतरीन है। ये देखें, चावल को अभी इसमें काफ़ी पानी है, इसी की स्टीम में ये पक जाएगा। वाइट चॉकलेट को पिघलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन काम है। एट टाइम्स पिघलती नहीं है, जकड़ जाती है। आई होप पिघल जाए आज। इसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसी को, इसी में ना, इसी की हीट में पिघलने के लिए छोड़ देते हैं। बाज़ वक्त हम ब्लॉक्स बाय करते हैं वाइट चॉकलेट के, उसको फिर हम सही तरह बंद नहीं करते हैं, बंद नहीं करते हैं तो उसमें क्या, थोड़ा सा भी मॉइस्चर चला जाएगा, नमी चली जाएगी, तो वो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे साबुन का टुकड़ा है, पीला हो जाता है, बहुत बुरा लगता है फिर वो। सो उसको आप अच्छी तरह बंद करें, फॉइल में रैप करें, क्लिंग में रैप करें, देखें ना ये इस तरह फिर हो जाता है। वेल लेट्स होप कि थोड़ी सी पिघल जाए, तो मैं थोड़े से फिर ड्रिजल कर दूँ और आपको दिखा दूँ। ओके, नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू पुट इन द चना दाल ऑल्सो। ताकि इसमें भी थोड़ा सा ये टेस्ट आए और अलग से बॉइल्ड बॉइल्ड ना लगे ये। ओके, फिर आप इसमें हरी मिर्चें डाल दीजिए, थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए इफ़ यू वॉन्ट, थोड़ा सा हम चॉप करके डाल देंगे बस, इसको जस्ट स्प्रेड इट आउट अ बिट। चलिए, ब्रेक की तरफ तो नहीं चलना है? नहीं, क्यों नहीं, कोई कॉलर्स भी नहीं आ रहे, मैं तो ब्रेक ले रही हूँ फिर। अच्छा जी, ये बस पिघल जाए ज़रा अच्छी तरह। जी शाजिया हैं कराची से, हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? जी फरमाइए। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। जी जी, मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। आपके प्रोग्राम में रोजाना ही देखती हूँ तकरीबन। अच्छा जी,
और आज ही चने का पुलाव जो आप बना रही हैं बहुत मजेदार लग रहा है। ट्राई करिएगा, बनाइएगा जरूर, ठीक है? इंशाल्लाह जरूर आज ही ट्राई करूंगी मैं। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये देखें वाइट चॉकलेट पिघल गई है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, इसी की हीट में पिघल जाएगी, ठीक है? इसमें सिर्फ थोड़ा सा तेल और वेनिला एसेंस मैंने डाला है, और यहाँ मैंने चने की दाल ऊपर बिछा दी है, और आँच अपने कम करनी है ताकि जल ना जाए नीचे से। और अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। ओके चलें, अब हम क्या करते हैं, ये देखें जो हमारे पास वाइट चॉकलेट है वो आई एम वेटिंग फॉर माई पाइपिंग बैग टू कम। अगर नहीं आपको पाइप करना है सो पुट देम इन योर लंच बॉक्स, बच्चों के जो लंच बॉक्सेस हैं उसमें, ठीक है? ये देखें मज़ेदार से, और ऑलपर्स फ्लेवर्ड मिल्क भी साथ साथ सर्व कर दीजिए, और बच्चों के लिए दिस इज़ रेडी। अब मेरे जैसे बड़े बच्चों के लिए हम ये करते हैं, और भी मैंने यहाँ बेक कर दिए हैं, उसको भी मैं निकाल के जाली पे रखना शुरू कर देती हूँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें ब्रेक में हम कर रहे होते हैं, आप समझ रहे होते हैं, हम ब्रेक में ऐसे ही बातें बातें करते हैं, बिस्किट बिस्किट खाते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन ज़रा हम काम शाम भी कर लेते हैं। ये देखें ये सारी हो गई, अब थोड़ी सी और भी हैं, सो ये दो तीन मैं इसमें भी डाल देती हूँ। सॉरी मैं कैमरा को बैक कर रही हूँ बैकिंग, बट आई वॉन्ट टू पुट दिस इन ताकि सारा कुछ बेक हो जाए, ठीक है? ये देखें कुछ भी ज़ाया ना करें, आपके पास जगह हो तो फ्रीज़ कर दीजिए डो को, फ्रीज़र में रख दीजिए, मगर इस तरह अगर आपको उसी वक्त बेक करना है तो ये देखें करते जाइए, और कुछ भी नहीं ज़ाया होता अगर आप स्पैचुला का इस्तेमाल करेंगे इस तरह, ठीक है? ये कुकी स्कूप का मैंने इसलिए ये लिया हुआ है बिकॉज आई वॉन्ट के एक ही साइज के हों, ये लीजिए। और अब इसको हम अवन में रख देते हैं, चलिए जी। हमारी तो कुकी फैक्ट्री बंद हो गई, अब इसका चूल्हा भी मैंने बंद कर दिया था, इसको मुझे निकालना है। ये देखें इसको ज़रा हल्के हाथ से मिक्स कर दीजिए, चने की दाल, कीमा और चावल, एंड टेक इट आउट इन योर डिश, और फिर गार्निश कर दीजिए। बनाइएगा ज़रूर, रेसिपी ट्राई करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि चने की दाल में भी थोड़ा सा टेस्ट आए तो बॉईल करते वक्त थोड़ी सी लाल मिर्ची या गरम मसाला पाउडर या कुछ तो उसमें डाल दीजिएगा। मेरे डायरेक्टर साहब का फेवरेट हरा धनिया और फिर क्या करेंगे हम, या सो नाउ जितनी भी वाइट चॉकलेट आपके पास हो पाइपिंग बैग में भर दीजिए, मैंने इसमें वेनिला एसेंस डाला था। आई एम क्रिएटिंग अ मेस, कैंची एंड थोड़ा सा ऐसे करके स्निप कर दीजिए, और इसको आप इस तरह डेकोरेट कर दें
या इसमें छोटा सा भी पीस अगर चॉकलेट का रह जाता है ना, फिर ये इस तरह तंग करता है। ऐसे कर दें बस, ऐसे 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 ड्रिजल कर दें। प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ तंग नहीं करो। यस, आ गया। और दूसरी कुकीज़ भी ले आती हूँ, इनको भी कर देते हैं डेकोरेट। वाइट चॉकलेट जब सेट हो जाएगी ना, वाइट चॉकलेट की और मेरी बनती ही नहीं है। डार्क चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है टू वर्क विथ ऑल्सो। ठीक है, ये हो गया, ये ऐसे 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 ड्रिजल कर दीजिए। इस पे भी नहीं रहा, ये ले, हो गया डन। ठीक है, और ये जो यहाँ बेक हो रही है उसको तो हमें ठंडा करना है। सो व्हाट वील डू इज वील टेक अ रेसिपी रिकैप ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। कल मैं क्या बना रही हूँ? कल मैं बना रही हूँ जूसी बर्गर्स बीफ के कीमे के साथ। देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा। और मैं फ्लावरलेस चॉकलेट केक बनाऊँगी। फ्लावरलेस का मतलब है मैदे के बगैर वाला। किस तरह बनाऊँगी देखिएगा 3:30 बजे लाइव मुझे फूड डायरीज़ में, पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे आपके साथ हम लाइव हैं। दोपहर में 3:30 से 4:30, रात में 12 बजे शो रिपीट होता है। मेरा दूसरा वाला जो शो है हायर का, वो जुमे को आता है 6 बजे शाम को, रात में 10 बजे रिपीट होता है। लज्जत में 5 बजे लाइव बनेगा चिकन अचारी कढ़ाई, ऑमलेट कढ़ी और क्रीमी कैरमल खीर। और आई होप आपने ये रेसिपीज़ नोट की हैं। बहुत मज़े के टेस्टी बिस्किट्स बने हैं। वाइट चॉकलेट के ड्रिजल के बगैर भी आप सर्व कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने ऑल्पर्स के फ्लेवर्ड मिल्क के साथ टिफ़िन में भी रख दिए हैं बच्चों के लिए। और बच्चों के लिए अगर आप दे रहे हैं तो ये वाइट चॉकलेट सेट हो जाए फिर डब्बे में रखिएगा, या वाइट चॉकलेट के बगैर भी कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट मिल्क चॉकलेट का भी ड्रिजल कर सकते हैं। कीमा और चने की दाल का जो पुलाव है वो भी रेडी है, ज़रूर रेसिपीज ट्राई करिएगा। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं हम। जी हेलो। जी अस्सलाम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आज मैंने फर्स्ट टाइम कीमा और चने की दाल देखी है। अच्छा, बिरयानी? हाँ, वरना कीमा और मसूर की दाल की बिरयानी बनवाती हूँ ना, ट्राई करिए। काली मसूर की होती है ना, तो ये इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगी। और बहुत अच्छी कुकिंग है आपकी, कुकीज भी बहुत जबरदस्त, इंशाल्लाह बहुत ईजी लगी मुझे। बारिश हो रही होती है, फर्स्ट टाइम भी कॉल मिली तो बारिश थी, अभी भी बारिश हो रही है। देखे कैसे है, क्या करूँ बारिश हो रही है, बारिश मुझे मालूम है, वही तो कह रही हूँ, बारिश हो रही है यहाँ तो, बल्कि खत्म हो गई है। हाँ, बस अब हर रोज में शाम को में क्या हाल है अल्लाह आलम। ओके, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और भी कुकीज़ हमारे बेक हो गए थे, काफ़ी सारे बन गए थे इसमें से, तो इसी तरह फिर आप बनाते जाइए, ठंडा करते जाइए। अगर आपको फ़ौरन उस वक्त बेक नहीं करना है तो आधा डो बेक कर दीजिए, आधा डो डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए या फ्रीज़र में रख दीजिए। और फ्रीज़र में अगर रखें तो छोटे छोटे बॉल्स बना के रख दीजिएगा, तो बहुत ही बेहतरीन, दो दो तीन तीन निकाला, बेक किया फ़ौरन गरम गरम कुकीज़। बिकॉज इस वाले कुकीज़ में ये चॉकलेट के जो चंक्स हैं तो वो पिघले हुए होंगे ना, अ पूल ऑफ चॉकलेट इन योर बिस्किट, उफ इतना मज़ेदार, ट्राई ज़रूर करिएगा। और अखरोट भी चॉप करके डालिएगा, इससे बहुत अच्छा एक क्रंच सा आएगा। इसी तरह रेसिपीज़ ट्राई करिए जैसे हम बनाना सिखाते हैं, कितना आसान है। अब ये कुकीज़ आप लेने जाएंगे बाहर ना तो कोई 2-3 हज़ार रुपये एक डज़न मिलती हैं, सही है, बिकॉज इसमें ज़ाहिर इतना माल डलता है ना। और ये डार्क कलर की बनी है बिकॉज मैंने इसमें डार्क ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया। आपको नहीं करना है नहीं करिए, लाइट ब्राउन शुगर डाल दीजिएगा, लेकिन ब्राउन शुगर बहुत ज़रूरी है टू गिव दैट फजी टेस्ट टू योर कुकीज़। चलिए जी, बातें तो मैं बहुत सारी करती रहूँगी, टाइम इज़ अप, दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। Oh, oh, oh.